हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो वैसा कि आप सब जानते हैं, रोमन रेंस अभी WWE से बाहर चल रहे इस वायरस वाली सिचुएशन की वजह से, एंड उनके रिटर्न पर अपडेट निकल कर आते रहती है कि उन्हें जब सेफ लगेगा कि अभी आना सही है, देन तभी वो हमें WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे। यानी कि वो 2 हफ्ते में भी वापस आ सकते हैं, वो 2 महीने में भी वापस आ सकते हैं, या फिर वो पूरे साल भी बाहर रह सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं उनके रिटर्न से रिलेटेड अपडेट के बारे में नहीं बात करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ कि जब वो रिटर्न करेंगे देन उनकी फ्यूड हमें किसके साथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सबको पता ही है, उनके रिटर्न के बाद के पहले फ्यूड से डिसाइड होने वाला है कि आखिरकार उनकी WWE में बुकिंग कैसी होगी। इसलिए मैंने इस लिस्ट में 5 नाम को रखा है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर है वो कोई और नहीं, वो है रेटेड आर सुपरस्टार एज। तो आप सबको पता ही है, एज ने WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन किए, बट वो हमें WWE में ज्यादा मैचेस लड़ते हुए नहीं दिखेंगे ईयरली, या कहा जाए वो हमें लगभग 5 से 6 मैचेस ही लड़ते हुए दिखेंगे ईयरली। और मुझे लगता है कि एज जब फिर से वापस आए WWE में, देन वो रोमन रेंस को डेफिनेटली फेस करने वाले। इनफैक्ट उन्होंने कोरी ग्रेव्स के आफ्टर द बेल पॉडकास्ट में सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस जैसे नेम को टॉप पर रखा था कि उन्हें वो सबसे पहले फेस करना चाहेंगे, जिसके बाद उन्होंने बाकी सारे नाम्स को लिया। इसलिए ये बात तो भाई लगभग 100% कन्फर्म है कि एज जब वापस आए देन वो रोमन रेंस को डेफिनेटली फेस करेंगे। और इनके बीच हमने रॉयल रंबल में फेस ऑफ भी देखा था, लेकिन वहीं से हमें पता चल गया था कि इन दोनों की फ्यूड हमें डेफिनेटली फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। पहला तो क्राउड का रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा था जब ये दोनों आमने सामने आए थे, एंड रोमन रेंस ने ही एज को एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल मैच से। इसलिए हो सकता है किसी रॉ में आकर जब रोमन रेंस का रिटर्न टाइम आ जाएगा सामने, तब एज आकर रोमन रेंस को इसी रीजन के साथ एक मैच के लिए चैलेंज कर दे, या फिर वो कहे कि मेरे लिए जो भी नेक्स्ट है वो सामने निकल कर आए, तभी वहां पर आ जाए द बिग डॉग रोमन रेंस। इसलिए कह सकते हैं इन दोनों की फ्यूड तो हमें फ्यूचर में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। और क्या पता रोमन रेंस जब रिटर्न करे देन इनकी फ्यूड हमें देखने को मिल जाए। वैसे आप सब मुझे ये कॉमेंट का जरूर बताना कि क्या आप ये स्पेयर वर्सेस स्पेयर मैच देखना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा बात करें नंबर 4 पर कौन सा सुपरस्टार है, देन गाइस नंबर 4 पर सुपरस्टार है वो कोई और नहीं, वो है द फिंड ब्रे वायट। अब लास्ट ईयर के सर्वाइवर सीरीज के टाइम ही ऐसे रूमर निकल कर आ गए थे कि रेसलमेनिया 36 का जो मेन इवेंट होने वाला है वो होगा फिंड वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। बट ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि WWE ने एंड मौके पर अपने प्लान चेंज कर लिए एंड गोल्डबर्ग को बना दिया यूनिवर्सल चैंपियन। बट क्या हो अगर WWE फिर से इसी प्लान के साथ वापस जाना चाहती हो, क्योंकि आप सबको पता ही है अभी हमें ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट की फ्यूड देखने को मिल रही है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एंड भले ही फायरफ्लाई फनहाउस वाले ब्रे वाइट ने ब्रॉन स्ट्रोमन को नहीं हराया, बट हो सकता है कि अब जब ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने फिंड आए देन फिंड ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा कर बन जाए यूनिवर्सल चैंपियन। और जब रोमन रेंस रिटर्न करे देन वो समर स्लैम या फिर सर्वाइवर सीरीज का टाइम चल रहा हो, जहां पर WWE बड़े बड़े मैचेस करवाती है, तो वो इसी मैच को करवाना चाहेगी अपने उस पेपरव्यू में। और फिंड वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए तो लोग पहले से ही हाइप है कि आखिरकार इस मैच में कौन जीतेगा, क्या यहाँ पर रोमन रेंस हरा पाएंगे फिंड को या फिर फिंड हरा देंगे रोमन रेंस को। इसलिए कह सकते हैं कि रोमन रेंस के रिटर्न के बाद पॉसिबली उनकी फ्यूड हमें फिंड ब्रे वाइट के साथ भी देखने को मिल सकती है। वेल बात की जाए अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में जिसे मैंने नंबर 3 पर रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है लार्स सुलेवन। तो आप सबको पता ही है लार्स सुलेवन अभी WWE से बाहर चल रहे हैं, एंड वो लगभग लास्ट ईयर जून जुलाई के महीने में इंजर्ड हुए थे, एंड ऐसा माना जा रहा था कि वो 9 से 10 महीने में अपना रिटर्न कर लेंगे। और देखा जाए तो अब उनके रिटर्न का लगभग टाइम आ भी चुका है, बट WWE अगर उनका रिटर्न रोमन रेंस के रिटर्न से 1 महीने पहले करवा दे तो वो काफी ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता ही है पहले लार्स सुलेवन को कोई भी नहीं रोक पा रहा था स्मैकडाउन एंड रॉ के एपिसोड में, हर कोई उनसे पीट जाता था, वो कभी भी किसी सुपरस्टार को इंटरप्ट करते थे एंड वो आकर अपना काम कर निकल लेते थे, यानी कि वो अनस्टॉपेबल बन चुके थे। तो क्या हो अगर WWE फिर से उन्हें ऐसा ही बुक करना शुरू कर दे, और शायद तब तक क्राउड भी आ जाएगी। और आप सबको पता ही है क्राउड लार्स सुलेवन को ऐसे भी काफी ज्यादा बुक करती है, एंड उन्हें कई सारे और भी रीजंस की वजह से हेट मिलती है जो कि आप सबको पता ही है। इसलिए हो सकता है कि WWE फिर से उन्हें स्मैकडाउन में वैसा ही बुक करना स्टार्ट कर दे, तभी उन्हें कोई भी नहीं रोक पा रहा हो, यानी कि उनके स्मैकडाउन या फिर रॉ में हमें आतंक वैसे ही देखने को मिले, तभी रिटर्न हो रोमन रेंस का एंड वो आकर सीधा अटैक करे लार्स सुलेवन पर और उनकी फ्यूड हमें वहीं से स्टार्ट होते हुए दिखे। एंड वहां पर क्राउड का रोमन रेंस को 100% सपोर्ट रहेगा, एंड आप सबको पता ही रोमन रेंस के सामने जब भी कोई मॉन्स्टर आता है देन वो फ्यूड देखने में हमें और भी ज्यादा मजा आता है। बट WWE क्या इस फ्यूड को रोमन रेंस के रिटर्न के बाद करवाती है, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब बात की जाए नंबर 2 की, देन नंबर 2 पर मैंने जिस सुपरस्टार को रखा वो कोई एक नहीं,
नहीं, बल्कि कई सारे सुपरस्टार्स है यहाँ का जो अभी हमें स्मैकडाउन में टूर्नामेंट देखने को मिल रही है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो हो सकता है उस टूर्नामेंट के बाद जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन निकले एंड डेफिनेटली अगर वो बंदा रोमन रेंस के सामने आने वाला है देन वो पॉसिबली कोई हील सुपरस्टार होगा, चाहे बात कर ले हम सेमस की, चाहे बात कर ले एजे स्टाइल्स की एंड सिंस्के नाकामुरा भी हो सकते हैं। यानी कि जो भी सुपरस्टार या कहा जाए जो भी हील सुपरस्टार उस टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होगा उसके सामने WWE रोमन रेंस को डाल दे एंड उनकी फ्यूड हमें वहां से स्टार्ट होते हुए दिखे। एंड ज्यादा चांसेस यही है कि अगर ये फ्यूड होती है देन वहां पर एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पॉसिबली सेमस हो सकते हैं। इसलिए लेट्स सी WWE क्या रोमन रेंस के रिटर्न के बाद उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के फ्यूड में डालती है या फिर नहीं। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट सुपरस्टार के बारे में जिसे मैंने नंबर 1 पर रखा है एंड शायद आप में से कई सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि वो सुपरस्टार कोई और नहीं, वो है अभी हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, वो ये है कि रोमन रेंस को रिप्लेस किया था ब्रॉन स्ट्रोमन ने रेसलमैनिया 36 में एंड उनकी जगह उन्होंने जीती यूनिवर्सल चैंपियनशिप गोल्डबर्ग को हराकर। और शायद WWE ऐसा ही कुछ हमें स्टोरी लाइन दिखाए स्मैकडाउन में एंड इन दोनों के बीच हमें फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस यही वो 5 सुपरस्टार है जो कि मुझे लगता है अगर रोमन रेंस रिटर्न करते हैं देन वो पॉसिबली इन्हीं में से किसी एक के साथ हमें फ्यूड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप रोमन रेंस के रिटर्न के बाद उनकी फ्यूड किसके साथ देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।